राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह आरंभ किया जाए। शत्रु का मुकाबला करते हुए असाधारण वीरता के लिए महावीर चक्र कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू, 16 बटालियन द बिहार रेजिमेंट, मरणोपरांत। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर के पद पर तैनात कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू को शत्रु का सामना करने के लिए एक प्रेक्षण चौकी स्थापित करने का चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा गया। उन्होंने एक सशक्त योजना से दुश्मन के द्वारा बाधा उत्पन्न किए जाने के बावजूद अपनी सैन्य टुकड़ी को संगठित किया एवं इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस चौकी पर मोर्चा संभालते समय उनके सैनिकों को नजदीकी ऊंचाइयों से भारी मात्रा में पत्थर फेंकने के साथ साथ शत्रु द्वारा तीक्ष्ण हथियारों से किए गए आक्रमण का भी कड़ा मुकाबला करना पड़ा। भारी संख्या में उपस्थित शत्रु सैनिकों की हिंसक और आक्रामक कार्यवाही का मुंहतोड़ जवाब देते हुए इस शूरवीर अधिकारी ने भारतीय सैन्य टुकड़ियों को वापस भेजने के शत्रु के निरंतर प्रयासों को विफल कर दिया। शत्रु के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद युद्ध जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कर्नल संतोष बाबू ने अद्वितीय साहस एवं अद्भुत संयम के साथ अपनी बटालियन का उत्कृष्ट नेतृत्व किया। स्वयं से पहले राष्ट्र एवं सच्ची सेवा भावना के साथ आखिरी सांस तक मोर्चे पर डटे रहकर अपने सैनिकों में अद्भुत प्रेरणा एवं प्रोत्साहन का संचार करते हुए अंततः उन्होंने राष्ट्र सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू ने शत्रु का मुकाबला करते हुए असाधारण वीरता, अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता एवं अद्वितीय कर्तव्य परायणता का परिचय दिया एवं भारतीय सेनाओं की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू की पत्नी श्रीमती बिकुमाला संतोषी एवं माता श्रीमती बिकुमाला मंजुला। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र सूबेदार संजीव कुमार, 4th बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस, मरणोपरांत। चार अप्रैल 2020 को सूबेदार संजीव कुमार एक विशेष बल टुकड़ी के कमांडर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनकी टुकड़ी को पाकिस्तान प्रायोजित घुसपैठियों का खात्मा करने, घुसपैठ ट्रैक को बंद करने के लिए विशेष ऑपरेशन के अंतर्गत हेलीकॉप्टर से कश्मीर की मुश्किल बर्फीली पहाड़ियों में उतारा गया। घुसपैठ कर चुके आतंकवादियों के पैरों के निशान का पीछा करते हुए 5 घंटे से भी अधिक समय तक कमर से गहरी बर्फ से जूझते हुए सूबेदार संजीव कुमार अपनी टुकड़ी के साथ आतंकवादियों के संभावित स्थान के नजदीक पहुंचे। इसी बीच उनके 2 साथी बर्फ पर फिसलने के कारण एक नाले में जा गिरे एवं आतंकवादियों की भारी गोलीबारी से घायल हो गए। सूबेदार संजीव कुमार अपने साथी के साथ उन्हें बचाने के लिए तुरंत नाले में कूद गए। अपनी जान की परवाह न करते हुए आतंकवादियों की भीषण गोलीबारी के बीच अपने एक साथी को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रहे। जो ही दूसरे सैनिक को निकालने के लिए वो दोबारा मुड़े, एक छिपे हुए आतंकवादी ने उनके बाकी साथियों पर भीषण गोलीबारी शुरू कर दी। अपने साथियों पर आए खतरे को भांपते हुए सूबेदार संजीव कुमार उस छिपे हुए आतंकवादी की ओर बढ़े और बिल्कुल नजदीक से उसे मार गिराया। अद्भुत शौर्य का परिचय देते हुए वह पुनः अन्य आतंकवादियों की ओर बढ़े और बेहद नजदीकी लड़ाई में दो और आतंकवादियों को घायल कर दिया। इस दौरान गोली लगने से वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए एवं अंततः मातृभूमि की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनके अतुलनीय नेतृत्व एवं पराक्रम की प्रेरणा से उनके दल ने 5 कट्टर आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। सूबेदार संजीव कुमार ने विषम परिस्थितियों में एक खूंखार आतंकवादी को मार गिराने, 2 आतंकवादियों को घायल करने एवं अपने घायल सैनिकों को बचाने में असाधारण वीरता, अदम्य साहस तथा अनुकरणीय निस्वार्थ सेवा भाव का प्रदर्शन किया। भारतीय सेनाओं की सर्वोच्च परंपराओं का निर्वहन करते हुए राष्ट्र रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सूबेदार संजीव कुमार की पत्नी श्रीमती सुजाता देवी। शत्रु का मुकाबला करते हुए वीरता के लिए वीर चक्र नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन, 16 बटालियन द बिहार रेजिमेंट, मरणोपरांत। नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी के दुर्गम क्षेत्र में तैनात थे। शत्रु सैनिक घातक हथियारों के साथ आक्रामक हमलों से उनके सैनिकों द्वारा की जा रही प्रेक्षण चौकी स्थापना में भीषण बाधा उत्पन्न कर रहे थे। सूबेदार नुदुराम सोरेन ने अत्यंत मुश्किल हालात में अद्भुत नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए अपनी सैन्य टुकड़ी को संगठित किया। शत्रु के उन सभी प्रयासों का मुंह तोड़ जवाब दिया जिससे वह भारतीय सैनिक टुकड़ियों को वापस लौटाना चाहते थे। विषम परिस्थितियों में घायल होने के बावजूद जिस अद्वितीय पराक्रम एवं असीम निर्भीकता से उन्होंने दुश्मन का सामना किया, उसने शत्रु दल को भी आश्चर्यचकित कर दिया। उनके इस प्रेरणादायक शौर्य प्रदर्शन ने उनकी सैन्य टुकड़ी को मोर्चे पर डटे रहने के लिए एक नए जोश का सृजन किया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद ये शूरवीर सिपाही आखिरी सांस तक गलवान की दुर्गम पहाड़ियों में अपने मोर्चे पर डटा रहा और अंततः मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। नायब सूबेदार नुदुराम ने शत्रु का सामना करते हुए अदम्य साहस, अतुलनीय कर्तव्य निष्ठा एवं असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया तथा भारतीय सेनाओं की उत्कृष्ट परंपराओं का निर्वहन करते हुए राष्ट्रहित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन की पत्नी श्रीमती लक्ष्मी मणि सोरेन। हवलदार के. पलानी, 81st फील्ड रेजिमेंट, मरणोपरांत। हवलदार के. पलानी ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के अंतर्गत पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी के मुश्किल इलाके में तैनात थे। 15 जून 2020 की रात हवलदार पलानी को 16 बिहार बटालियन के हिस्से के रूप में एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट स्थापित करने की चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। अचानक दुश्मन ने इनका घेराव करते हुए इन पर आक्रमण कर दिया। ऐसी विषम परिस्थितियों में अद्वितीय साहस एवं संयम का परिचय देते हुए ये शूरवीर सैनिक आमने सामने की लड़ाई में दुश्मन से जा भिड़ा। दुश्मनों की संख्या अचानक बढ़ने एवं हथियारों से उनके द्वारा किए गए हमले में घायल होने के बावजूद अपने प्राणों की परवाह न करते हुए वो मोर्चे पर डटे रहे। आखिरी दम तक उत्कृष्ट मानसिक संतुलन के साथ दुश्मन के आक्रमण का बहादुरी से जवाब दिया, अपने साथियों को बचाते हुए अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। उनके पराक्रम एवं प्रतिबद्धता ने उनके अन्य सैनिकों को और जमकर मुकाबला करने तथा दुश्मन का प्रबलता से प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित किया। अद्वितीय साहस, अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा एवं अतुलनीय सेवा भाव का परिचय देते हुए हवलदार के. पलानी ने राष्ट्रहित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय हवलदार पलानी की पत्नी श्री बांती देवी। नायक दीपक सिंह, सेना चिकित्सा कोर, 16वीं बटालियन द बिहार रेजिमेंट, मरणोपरांत। नायक दीपक सिंह बटालियन में नर्सिंग सहायक की ड्यूटी का निर्वाह कर रहे थे। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान उन्होंने गलवान घाटी में भिड़ंत के दौरान हताहतों को उपचार उपलब्ध कराया। जैसे ही दोनों पक्षों के बीच भिड़ंत शुरू हुई और हताहतों की संख्या बढ़ी, वो अपने घायल सैनिकों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते हुए आगे बढ़ने लगे। भिड़ंत में आगे हो रहे पथराव के चलते उनको गंभीर चोटें आई, लेकिन इसके बाद भी वो अडिग रहे और निरंतर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराते रहे। दुश्मनों की संख्या भारतीय सैन्य टुकड़ी से ज्यादा हो गई थी। गंभीर जख्मों के बावजूद उन्होंने घायल सैनिकों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना जारी रखा और कई सैनिकों की जान बचाई। अंत में वो अपनी चोटों के कारण शहीद हो गए। उपचार उपलब्ध कराने और 30 से अधिक भारतीय सैनिकों की जान बचाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो उनकी पेशेवर कुशाग्र बुद्धि तथा निष्ठा को प्रदर्शित करता है। नायक दीपक सिंह ने प्रतिकूल हालात में अतुलनीय दक्षता, अदम्य समर्पण का प्रदर्शन किया और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय नायक दीपक सिंह की पत्नी श्रीमती रेखा सिंह। सिपाही गुरतेज सिंह, 3री बटालियन द पंजाब रेजिमेंट, मरणोपरांत। June 15, 2020 को गलवान घाटी में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान सिपाही गुरतेज सिंह को प्रेक्षण चौकी स्थापित करने का कार्य सौंपा गया था। उन्होंने भारतीय सैन्य टुकड़ियों के खिलाफ योजना बनाती दुश्मन सैन्य टुकड़ियों की सफलतापूर्वक पहचान की। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई एक उग्र भिड़ंत में परिवर्तित हो गई, जिसमें दुश्मन सैन्य टुकड़ियों ने भारतीय सैन्य टुकड़ियों को पीछे धकेलने की कोशिश की। भिड़ंत में दुश्मन सैनिकों ने घातक हथियारों का प्रयोग किया और अपनी सैन्य टुकड़ियों की संख्या भी बढ़ा दी। सिपाही गुरतेज सिंह ने आमने सामने की उग्र भिड़ंत में निडरता, अदम्य साहस और असाधारण युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। स्वयं गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अपनी निजी सुरक्षा की तनिक भी चिंता किए बगैर वो बहादुरी से लड़ते रहे और सर्वोच्च बलिदान देने से पहले उन्होंने अपने पेट्रोल दल के कई साथी सदस्यों की जान भी बचाई। सिपाही गुरतेज सिंह ने विशिष्ट वीरता का प्रदर्शन किया और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय सिपाही गुरतेज सिंह की माता श्रीमती प्रकाश कौर एवं पिता श्री विरसा सिंह। मेजर अनुज सूद, ब्रिगेड ऑफ़ गार्ड्स, 21वीं बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। मेजर अनुज सूद जम्मू व कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में 21वीं बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स में कंपनी कमांडर के तौर पर ऑपरेट कर रहे थे। 1 मई 2020 को वत्सर जंगल में 2 आतंकवादियों की सूचना मिलने पर अधिकारी ने उनको चेतावनी दी, लेकिन आतंकवादियों ने पलटकर अंधाधुंध हमला कर दिया और बच निकले। उन्होंने अपनी गोलीबारी को रोका और पहले दोनों ओर की गोलीबारी में फंसे नागरिकों की जान बचाई। 2 मई 2020 को चंजी मुला में आतंकवादियों के होने का दोबारा पता चला और उन्होंने संदिग्ध घर के नजदीक घेरे में खुद को तैनात किया। शानदार वीरता दिखाते हुए वे कमांडिंग अफसर और 3 अन्य साथियों के साथ बंधक नागरिकों को बाहर निकालने के लिए लक्षित भवन के भीतर घुसे। अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए वे लगातार गोली चलाते रहे और कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया, जिससे 3 बंधक नागरिकों को बाहर निकाला जा सका। 2 बंधक नागरिकों को छुड़ाने के प्रयास में उन्होंने शारीरिक रूप से हमला कर दिया और एक स्थानीय आतंकी को घायल कर दिया। इस प्रकार 2 बंधकों की जान बचाई जा सकी। अपने वीरतापूर्ण कार्य के दौरान अधिकारी को शरीर में कई गोलियां लगी और वे शहीद हो गए। इस प्रकार मेजर अनुज सूद ने विशिष्ट वीरता और असाधारण साहस का परिचय दिया और राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय मेजर अनुज सूद की पत्नी श्रीमती आकृति सिंह सूद। अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल। वाइस एडमिरल आर हरिकुमार, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। एयर मार्शल, अब एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल। एयर मार्शल नव करनजीत सिंह ढिल्लो, अति विशिष्ट सेवा मेडल, एडीसी, सेवानिवृत्त। एयर मार्शल राजेश कुमार, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल, एडीसी, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा अति विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल शशांक तारकांत उपासनी अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल तरंजीत सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल बार सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल सरनजीत सिंह उत्तम युद्ध सेवा मेडल सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव सबरवाल अति विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार भट्ट उत्तम युद्ध सेवा मेडल अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त। मेजर जनरल संदीपन हांडा सेवानिवृत्त। महानिदेशक कृष्ण स्वामी नटराजन राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक भारतीय तटरक्षक। मुख्य अभियंता सिविल अब अपर महानिदेशक केपी पुरुषोत्तमन, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त, सीमा सड़क बल। युद्ध, संघर्ष एवं युद्ध स्थिति के दौरान असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल हर्ष गुप्ता, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव सिरोही, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर, विशिष्ट सेवा मेडल। एयर मार्शल रिचर्ड डॉन डकवर्थ, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल मिलिंद एन भुरके, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल तीर्थला सुब्रमण्यन अनंथा नारायण। लेफ्टिनेंट जनरल शशांक शेखर मिश्रा, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल रविंद्र कुमार सिंह कुशवाहा, लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार शर्मा, युद्ध सेवा मेडल, लेफ्टिनेंट जनरल एस हरिमोहन अय्यर, लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, मेजर जनरल अब लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, रियर एडमिरल अब वाइस एडमिरल स्वामीनाथन राजाराम, नौसेना मेडल, रियर एडमिरल अब वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह, नौसेना मेडल, रियर एडमिरल अब वाइस एडमिरल सूरज बेरी, नौसेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, रियर एडमिरल अब वाइस एडमिरल श्रीनिवास वेनम, नौसेना मेडल। एयर मार्शल विभास पांडे, विशिष्ट सेवा मेडल। एयर वाइस मार्शल अब एयर मार्शल सूरज कुमार झा। एयर मार्शल आईपी विपिन, वायु सेना मेडल, सेवानिवृत्त। एयर मार्शल टीडी जोसेफ, वायु सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। एयर मार्शल महेंद्र सिंह बुटोला, सेवानिवृत्त। ब्रिगेडियर प्रीतपाल सिंह, विशिष्ट सेवा मेडल। मेजर जनरल बिपिन बख्शी, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल वीरेंद्र सिंह, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। शत्रु का मुकाबला करते हुए वीरता के लिए वीर चक्र, हवलदार तेजिंदर सिंह 3 मीडियम रेजिमेंट। June 15, 2020 को अपने रेजिमेंटल कॉलम के हिस्से के रूप में तैनात हवलदार तेजिंदर सिंह ने दुश्मन प्रतिरोध के खिलाफ अपने कॉलम का नेतृत्व करते हुए पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में उत्कृष्ट रणकौशल एवं बहादुरी का प्रदर्शन किया। भारतीय सैन्य टुकड़ियों को वापस लौटाने के उद्देश्य से किया गया दुश्मन का प्रतिरोध उग्र होते होते आमने सामने की लड़ाई में तब्दील हो गया एवं दुश्मन का एक बड़ा दल भी इस दस्ते में शामिल हो गया। शत्रु की बड़ी संख्या में मौजूदगी के बावजूद हवलदार तेजिंदर सिंह अपने लक्ष्य पर अडिग रहे। अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपने सैन्य दल को संगठित किया। आमने सामने की लड़ाई में दुश्मन के प्रतिरोध का मुंह तोड़ जवाब दिया। गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद अपने कॉलम का बहादुरी एवं निडरता पूर्वक संचालन करते रहे। हवलदार तेजिंदर सिंह ने साहस एवं समर्पण की उत्कृष्ट भारतीय सैन्य परंपराओं को बनाए रखते हुए दुश्मन के सामने निडर नेतृत्व, निस्वार्थ प्रतिबद्धता एवं अनुकरणीय कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन किया। हवलदार तेजिंदर सिंह। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र, लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत, सेना मेडल, 1st बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस। लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत, सेना मेडल, जम्मू एवं कश्मीर में नियंत्रण रेखा के निकट आतंकवादी एवं घुसपैठ विरोधी अभियान के तहत एक मिशन के टीम लीडर के पद पर तैनात थे। 24 दिसंबर 2019 को उन्हें आतंकवादियों के घुसपैठ करने तथा उनकी सैन्य टुकड़ी पर घातक हमला कर जान माल का नुकसान पहुंचाने के संभावित प्रयासों की गुप्त सूचना मिली। त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने अपनी टुकड़ी को घुसपैठ के संभावित रास्तों पर तैनात किया। विपरीत मौसम में नियंत्रण रेखा के समीप लगातार 36 घंटे तक घात लगाने के बाद उनकी टीम को आतंकवादी समूह की हरकत का अंदाजा हुआ। भीषण गोलीबारी के बीच रेंगते हुए ये जांबाज अधिकारी आतंकवादियों के नजदीक पहुंचे और अपने सटीक फायर से 2 आतंकवादियों को मार गिराया। दोनों ओर से हो रही अंधाधुंध फायरिंग के बावजूद उन्होंने अपने दल का उत्कृष्ट मार्गदर्शन किया एवं इलाके की लगातार निगरानी करते हुए एक और आतंकवादी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत, सेना मेडल, ने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान अदम्य साहस, उत्कृष्ट युद्ध कौशल एवं अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत, सेना मेडल। मेजर अब लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल अर्स, 4th बटालियन द मराठा लाइट इन्फेंट्री। मेजर अनिल अर्स जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के नजदीक कंपनी कमांडर के रूप में तैनात थे। आतंकवादियों के नियंत्रण रेखा के पास इकट्ठा होने एवं नियंत्रण रेखा को पार करके उनकी सैन्य टुकड़ी पर संभावित हमले की सूचना मिलने पर इन्होंने आतंकवादियों के संभावित रास्तों के पास घेराबंदी की। काफी समय तक घात लगाकर बैठने के बाद जो ही आतंकवादियों की हलचल का अंदाजा हुआ, मेजर अनिल अर्स ने अपनी सटीक गोलीबारी से 3 खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया। नियंत्रण रेखा पर सीमा पार से हो रही लगातार भारी गोलीबारी के बावजूद ये नौजवान अफसर अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने स्थान पर बने रहे ताकि शेष आतंकवादियों का भी खात्मा किया जा सके। उनकी असाधारण नेतृत्व क्षमता से काफी देर चली गोलीबारी के बाद उनके दल ने 2 और आतंकवादियों को भी मार गिराया। मेजर अनिल अर्स ने उच्च कोटि की रणनीतिक कुशलता, असाधारण साहस एवं अनुकरणीय कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन को अंजाम दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल अर्स। राइफलमैन प्रणव ज्योति दास, 6 असम राइफल। राइफलमैन प्रणव ज्योति दास दक्षिणी अरुणाचल प्रदेश में अभियान का हिस्सा थे, जिसे 6 कट्टर विद्रोहियों की मौजूदगी से जुड़ी विशिष्ट आसूचना के आधार पर शुरू किया गया था। सुबह 4:10 पर लक्ष्य क्षेत्र की जांच के दौरान राइफलमैन सामान्य ड्यूटी प्रणव ज्योति दास ने लक्ष्य स्थान से 70 मीटर की दूरी पर एक विद्रोही को देखा। चेतावनी देने पर विद्रोही ने अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए घेरे को तोड़ने की कोशिश की। अपने सैन्य दस्ते पर गंभीर खतरे को भांपते हुए आपने एक विद्रोही को मार गिराया। बचे हुए विद्रोहियों ने भारी गोलीबारी की, जिससे एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया। भारी रणनीतिक कुशाग्रता दिखाते हुए आपने बहादुरी से घायल कार्मिक को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। आपने नजदीक दूरी से विद्रोही को उलझाए रखा, जबकि दूसरे विद्रोही को मार गिराया। इस प्रकार राइफलमैन प्रणव ज्योति दास ने 2 विद्रोहियों को विफल कर और सुरक्षा पूर्वक एक घायल सैनिक को बाहर निकालकर उग्र और अपूर्व युद्ध जोश का परिचय दिया। राइफलमैन प्रणव ज्योति दास। पैराट्रूपर सोनम शेरिंग तमंग, दी 4th बटालियन पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल। चार अप्रैल 2020 को पैराट्रूपर सोनम शेरिंग तमंग विशेष बल डिटैचमेंट का हिस्सा थे, जिसे घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों के दस्ते को रोकने और खत्म करने के लिए केरन क्षेत्र जम्मू कश्मीर में हेलीकॉप्टर से उतारा गया था। 5 घंटों से ज्यादा समय तक कमर तक बर्फ में चलने के बाद टुकड़ी ने सफलतापूर्वक आतंकवादियों के साथ संपर्क स्थापित किया। एकदम नजदीक से गोली चलने के परिणाम स्वरूप दोनों दस्ता कमांडर सूबेदार संजीव कुमार और पैराट्रूपर अमित कुमार गोली लगने से जख्मी हो गए और शेष दस्ते से उनका संपर्क टूट गया। अपनी रणनीतिक दक्षता से आपने अपना दस्ता कमांडर को आतंकवादियों की भारी गोलीबारी के बीच से सफलतापूर्वक बाहर निकाला। पैराट्रूपर अमित कुमार जख्मी थे और आतंकवादियों की गोली से मृत्यु को प्राप्त हुए। अपने दूसरे साथी को गंभीर खतरे में देखते हुए आपने हिम्मत दिखाते हुए एक आतंकवादी को एकदम नजदीक से सटीक राइफल गोलीबारी से मार गिराया। भाग रहे आतंकवादी पर हथगोला फेंककर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। पैराट्रूपर सोनम शेरिंग तमंग ने एक कट्टर आतंकवादी को गिराने और एक अन्य को जख्मी करने और सूबेदार संजीव कुमार को सुरक्षा पूर्वक बाहर निकालने में अत्यंत साहस और जबरदस्त वीरता का परिचय दिया। इस प्रकार आप अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में बड़ी वीरता से लड़े, जहां उनके दस्ते के अन्य सदस्य कार्रवाई में शहीद हो गए। पैराट्रूपर सोनम शेरिंग तमंग। विंग कमांडर विशाख नायर, उड़ान पायलट। विंग कमांडर विशाख नायर, उड़ान पायलट 21 अप्रैल 2018 से एक सुखोई 30 MKI स्क्वाड्रन में तैनात हैं। 5 अगस्त 2019 को आप एक अनुदेशात्मक उड़ान मिशन पर कैप्टन के रूप में उड़ान भर रहे थे। एक मनोवर रिकवर करने के बाद आपको पता चला कि वायुयान किसी भी सामान्य नियंत्रण इनपुट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा था और बड़ी मुश्किल से नियंत्रण में था, और वो भी गति के उच्चतर अवस्था में होने पर ही। इसके बाद आपने तीव्र गति और ढलवां अप्रोच के साथ लैंड करने के 5 प्रयास किए पर कोई नतीजा नहीं निकला। काफी थके होने के बावजूद आपने अपनी बची कुची ताकत, सूझबूझ और वायुयान सिस्टम की जानकारी का उपयोग करने का निर्णय किया। आपने हवा से हवा में रिफ्यूलिंग प्रोब को आगे बढ़ाने का विकल्प चुना। ईंधन कम होने की स्थिति में आपने लैंड कराने का एक और प्रयास किया। अप्रोच पर लैंडिंग से 3 किलोमीटर पहले ये नियंत्रण विक्षेप की सीमा तक पहुंच गए, लेकिन उच्च गति बनाए रखते हुए और रनवे के मध्य को लक्ष्य रखते हुए वायुयान को सुरक्षित लैंड कराने में आप सफल रहे। आपने अपने शौर्यपूर्ण कार्य के द्वारा न सिर्फ स्वयं की जान बचाई, बल्कि एक अत्यंत महंगे वायुयान को बचा लेने में भी आप सफल रहे। इस प्रकार विंग कमांडर विशाख नायर ने अत्यंत तनावपूर्ण स्थिति में असाधारण व्यावसायिकता, सूझबूझ और साहस का प्रदर्शन किया। विंग कमांडर विशाख नायर। राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह समाप्त किया जाए।